हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। शुक्राणुहीनता स्पर्म नील या एजोस्पर्मिया क्या है, क्यों होता है और उसके निवारण के लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताऊंगा, जिसे आप किसी डॉक्टर के सहयोग से यदि उपयोग में लाते हैं तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुक्राणुहीनता क्या है? एजोस्पर्मिया स्पर्म नील, वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या, स्पर्म की संख्या 60 to 150 मिलियन, 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में होनी चाहिए और यह संख्या यदि नील है, जीरो है, जिसे हम एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो यह क्यों हो जाता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है शरीर के अंदर एंटी स्पर्म्स बॉडीज़ पैदा होते हैं जो शुक्राणुओं को मार देते हैं या उसके कारण मर जाते हैं। या हो सकता है टेस्टिस, जहां शुक्राणु जनरेट होते हैं, अंडकोशों में शुक्राणु पैदा होता है, उसका विकास ही न हो हुआ हो या बहुत कम हुआ हो, जिसकी वजह से स्पर्म नील हो। या टेस्टिस के अंदर शुक्राणु तो बन रहा है लेकिन वहाँ से नलियों के माध्यम से वीर्य से मिल करके जब संबंध बनाता है इंसान तो वीर्य के में वीर्य से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी स्पर्म नील हो सकता है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, इस सेक्स के दुश्मन है, शुक्राणुओं के दुश्मन है, शारीरिक स्वास्थ्य के दुश्मन है। यदि इसमें से हम कोई भी चीज़ लेते हैं शुक्राणु कम हो सकता है या स्पर्म नील भी हो सकता है। मोटापा के कारण शारीरिक स्थूलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शारीरिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा घट जाती है, जिसकी वजह से भी यह समस्या हो सकती है। हार्मोनल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लिंग अंडकोश शुक्राणु दाढ़ी मूछ पुरुष के अंदर पुरुष शक्ति का निर्धारण करता है। ये हार्मोन यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास का लिंग का ग्रोथ 8-10 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक की डिस्चार्जिंग टारगेट, 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में शुक्राणु, यानी 60 to 150 मिलियन के बीच में शुक्राणु, एक रात में एक बार संबंध हो गया, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार की स्थितियां, इसको कहते हैं फर्स्ट क्लास की स्थिति। यही हार्मोन्स यदि कम बनेगा तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कम होगी और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम नहीं होगी। इसके अलावा आपका व्यायाम का अभाव हो सकता है। अगर हम शारीरिक एक्टिविटी एक्सरसाइज आदि प्राणायाम आदि नहीं करते हैं तो भी कमियां हो सकती हैं। मेडिकल इशू, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट, ऐसी कोई भी डिसीज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस घट जाएगी, शुक्राणु आदि घट सकते हैं या कम हो सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल इशू जैसे हमने आपको बता ही दिया है, कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन या हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो भी स्पर्म आदि की क्वालिटी क्वांटिटी कम हो सकती है। तो एक स्वस्थ आदमी के अंदर जो वीर्य की संख्या को एक डॉक्टर देखता है, वीर्य के अंदर शुक्राणु की स्पीड को, गति को, एक्टिव कितने हैं उनको देखता है, कितने मरे हुए हैं और उनकी संख्या, यही सब देखी जाती है। मान लीजिए स्पर्म नील है तो जैसा कि हमने बताया था, आज आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताऊँगा जिसे आप बना करके किसी डॉक्टर के सहयोग से यदि उपयोग में लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। तो पहली चीज़ है हीरक भस्म, पहली चीज़ है हीरक भस्म 300 मिलीग्राम यानी 300 mg। अगला है बसंत कुसुमाकर रस 5 ग्राम ले लीजिए, सिद्ध मकर ध्वज 5 ग्राम, त्रिवंग भस्म 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 10 ग्राम, गिलोय शत 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको लेकर के एक खरल में अच्छी तरीके से मिलाइए, मिला करके 60 भागों में डिवाइड कर लीजिए और भोजन या नाश्ता से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से या सिंपल पानी से आप सुबह और शाम को, यानी खाली पेट शाम को आधा घंटा पहले ले सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण, श्वेत मुसली चूर्ण, ये तीनों पतंजलि स्टोर में मिल जाएगी, तीनों को मिलाकर रख लीजिए खाना खाने के आधे घंटे के बाद। एक ग्लास दूध लीजिए, उसमें दो बूंद शिलाजीत सत, ये भी पतंजलि स्टोर में मिल जाएगा, शिलाजीत सत दो बूंद उसमें डाल करके
मिश्री युक्त दूध से आप गाय के दूध से ले लिया करिए, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा पतंजलि स्टोर से ही संतति सुधा बटी, यौनामृत बटी, चंद्रप्रभा बटी, ये तीन टैबलेट्स भी मिलेंगी जिनको खाना या नाश्ता या भोजन के आधे घंटे के बाद आप ले लिया करें। इसके अलावा पंसारी की दुकान पर चले जाइए, कौच बीज और गुंजा ये दोनों चीज़ें पंसारी की दुकान पर मिल जाती हैं। एक एक पाव यानी 250-250 ग्राम ले आइए और 4 लीटर दूध में एक कपड़े में पोटली में बांध करके उसमें डाल दीजिए और दूध को बॉयल करिए। इतना बॉयल करिए कि दूध एकदम गाढ़ा हो जाए, तो उस पोटली को निकाल करके कौच बीज गुंजा को छील करके छिलके को हटा दीजिए और उसको सुखा करके कूट पीस करके रख लीजिए और खाना खाने के आधे घंटे के बाद दूध से जब टैबलेट्स आदि लेते हैं इसको भी आधा चम्मच या एक चम्मच ले सकते हैं। इतना करने के बावजूद आपको कम से कम 1 घंटा अनुलोम विलोम और 1 घंटा आधा घंटा, 1 घंटा मिलाकर के दोनों, कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम और कपाल भाती जरूर करेंगे, योग प्राणायाम जरूर करिए आप, और 10 या 12 बादाम रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको चबा चबा करके खा लिया करिए। 3-4 अखरोट भी ले सकते हैं, 2-4, 5-7 काजू भी ले सकते हैं, और किशमिश 2 मुट्ठी रात को धो करके भिगो दीजिए, उसको भी सुबह सुबह चबा कर ले लीजिए। अंकुरित बीज ले लिया करिए, अंकुरित जैसे चना, मूंग, मोठ, ये सब चीज़ें रात को भिगो दीजिए, सुबह किसी चीज़ में जगा लीजिए, अंकुरित कर लीजिए और उसको आप ले सकते हैं। योग प्राणायाम करिए, सब कुछ आपका मस्त स्थिति बन जाएगी, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये जितनी भी चिकित्सा हमने जितनी चीज़ों को बताया है एक डॉक्टर के सहयोग से लेंगे, और यह चीज़ सबसे अच्छा रिस्पांस कब देती है, जब इन दवाओं के साथ साथ हार्मोनल ट्रीटमेंट चल जाए। हार्मोनल ट्रीटमेंट कुछ इंजेक्शन आदि होते हैं जो डॉक्टर के सहयोग से ही किया जा सकता है, 12 कुछ इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं और फिर ये सब लेते हैं तो हम समझते हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। MC जिस दिन आती है, मासिक धर्म जिस दिन आता है, उसके ठीक 12वें, 13वें, 14वें और 15वें दिन बच्चे के लिए इन संबंध बनाना चाहिए। जैसे 1 तारीख को MC आया तो 12, 13, 14, 15 यानी MC के 12वें, 13वें, 14वें, 15वें दिन संबंध बनाइए, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी कारणवश आपको सफलता नहीं मिलती है या दवा आदि बनाने में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ आ करके मिल सकते हैं। हमारे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे मिल सकते हैं या हमसे बात कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो हमारे नंबरों पर कॉल करके सुबह 10 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में हमसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।